सुप्रभात बच्चों, बेटा कैसे हो? मजे में हो? यस। आज बेटा मैं आपको एक नए शब्द एक सिखाने वाली हूँ। दैट इज SMALL, स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। स्मॉल मीन्स छोटा। ओके। व्यंजन हमने पढ़ लिया, अब आई मात्राओं की बारी। आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। यस। व्यंजनों के साथ में बेटा ए की मात्रा कैसे लगाएंगे ये हम सीखेंगे आज। यस बेटा। ओके। यस बच्चों, अभी हमने क से लेके या तक ए की मात्रा लिख चुके हैं, है ना बेटा? ये पूरा आपको लिखना है और इसको हम अभी रीड भी करेंगे। क पे ए की मात्रा के, है ना? ख पे ए की मात्रा खे। ग पे ए की मात्रा गे। ग पे ए की मात्रा गे, ये आखिरी वाले शब्द में बेटा मात्रा नहीं लगेगा। यस। वैसे छ पे ए की मात्रा छे। छ पे ए की मात्रा छे। ज पे ए की मात्रा जे। झ पे ए की मात्रा जे, यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगा। ट पे ए की मात्रा टे। ट पे ए की मात्रा टे। ड पे ए की मात्रा डे। ढ पे ए की मात्रा डे। ण पे ए की मात्रा ने। त पे ए की मात्रा ते। थ पे ए की मात्रा थे। द पे ए की मात्रा दे। ध पे ए की मात्रा धे। न पे ए की मात्रा ने। फिर क्या आएगा? प पे वैसे ए की मात्रा लगा तो क्या बनेगा बेटा? पे। फ पे ए की मात्रा फे। ब पे ए की मात्रा दे। भ पे ए की मात्रा घे। म पे ए की मात्रा मे। र पे ए की मात्रा रे। र पे सॉरी बेटा य पे ए की मात्रा ए। र पे ए की मात्रा रे। ओके। य पे ए की मात्रा ए आएगा। र पे ए की मात्रा लगा तो ए आएगा। ल पे ए की मात्रा ले। व पे ए की मात्रा दे। स पे ए की मात्रा श। पे ए की मात्रा शे। श पे ए की मात्रा शे। स पे ए की मात्रा लगा तो से बनेगा। ह पे ए की मात्रा हे। क्ष पे ए की मात्रा क्षे। त्र पे ए की मात्रा लगा तो त्रे। ज्ञ पे ए की मात्रा लगा तो क्या बनेगा? ये। ज्ञ पे ए की मात्रा ये। इस तरह से आपको ए की मात्रा क से लेके ज्ञ तक लिखकर टू लाइन पेज में लिखना है बेटा, और मैं इसको सेंड भी करना है और आपको रीड भी करना है। यस। जैसे आप मात्रा लिखोगे, जैसे देखिए मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रही, सिर्फ क लिखते हैं उसके ऊपर आपका लाइन रहता है ना, तो उसको मात्रा आपको ऐसे लगाना है बेटा। क पे ये कौन सा मात्रा हमने लगाए? ए की मात्रा। तो क पे ए की मात्रा लगे तो क्या बनाइए? के। ओके बेटा। इस तरह से आपको ये पूरा लिख कर इसको सेंड करना है। यस। चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।